अपग्रेड होगा या नहीं होगा। ओके हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मुझे 600 डायमंड में एक लेवल मेरा अपग्रेड हुआ। जैसे ही गेम फाइनली गई ना, फ्री फायर के अंदर एक न्यू इवेंट देखने को मिला है जिसका नाम है इवो फेट। और इवो फेट के अंदर आप लोगों को स्पिन करने पे आपका जो भी इवो गन होगा वो अपग्रेड होगा। तो कैसे होगा आज की वीडियो में आप लोगों को करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस एकदम सिंपल सा देखने को मिलेगा कि जितने भी आपके पास इवो गन होगी, जैसे कि मेरे पास ये यूएमपी है, फार्म आसी है, सभी मेरे पास है। लेकिन जो नीचे है ना, जैसे कि एक्समेट हो चुका, फिर हमारा M4A1 हो चुका, ये सभी मेरे पास नहीं है तो मुझे लॉक दिखा रहा है। लेकिन जो आपके पास होगा, जैसे कि M1014 मेरे पास मैक्स है, तो यहाँ आप लोगों को बोल देगा कि आपके पास मैक्स लेवल का है, तो ये कोई भी काम का नहीं रहेगा। AKB मेरे पास मैक्स लेवल का है, M887 भी मैक्स लेवल का है। तो मेरे पास जो बचा वो है यहाँ से, एक हमारा स्कार है, फिर ये MP5 है और UMP, ये सब मुझे अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए आप लोगों को यहाँ स्पिन करना पड़ेगा। और जैसे स्पिन करोगे, जो अपग्रेड होने के जो लक होंगे वो होंगे 20%, रिटर्न के जो लक होंगे वो होंगे 65%, डिग्रेड के जो लक होंगे वो होंगे 15%। तो डिग्रेड भी होगा तो इसका आप लोग ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अपग्रेड ही हो जाएगा, डिग्रेड भी हो सकता है। मतलब आपका लेवल 5 का है तो लेवल 4 का भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। तो ये बहुत आपको कंफ्यूज करने वाला इवेंट है, तो आप लोग क्वेश्चन मार्क पे भी देख सकते हो। जैसे कि मुझे ईवो M1014 का यहाँ इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आपका अपग्रेड होगा तो सीधा यहाँ से लेवल 2 का लेवल 3 का हो जाएगा, लेकिन डिग्रेड होगा तो यहाँ देख लो गाइस, ये 5% जो लक है ना, ये डिग्रेड का लक है। मतलब आपका लेवल 3 का होगा तो लेवल 2 का हो जाएगा। तो चलो हमारा क्या होता है, इसके लिए हम करते 1000 डायमंड वेस्ट। और 1000 डायमंड वेस्ट करेंगे तो लेवल अपग्रेड होता है या नहीं होता है, तो किसका हम ले। तो यहाँ से MP40 भी मैक्स है यार, चार जो अच्छी गन है, मतलब जो शॉर्ट गन सबसे ज्यादा यूज होती है, दोनों मैक्स है, AK-47 मैक्स है। तो मेरे पास ऐसी कोई गन नहीं। अच्छा स्कार है ना, चलो स्कार हमारा लेवल 4 का है, तो क्या लेवल 5 का सिर्फ 300 डायमंड में होगा, ये भाई देखने वाली बात रहेगी। तो चलो इसके लिए करते स्पिन। भाई प्लीज डिग्रेड मत करना यार, अपग्रेड ना करो तो ये देखो भाई, डिग्रेड मत करना और कुछ भी कर लेना। तो क्या हुआ भाई, कुछ लिखा हुआ, ओके ये देखो 300 डायमंड की आइटम देख लो आप लोग, ये 300 डायमंड का मुझे क्या मिला है, समवन एयरड्रॉप 300 डायमंड का। भाई साहब क्या बोलूँ मैं, गरीना वाले अब कुछ मैं बोल नहीं सकता ज़्यादा, तो इतना समझ गए होंगे आगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो 300 डायमंड में मुझे ये मिला। वन सेकेंड एक और बार लक यूज करके देखते, तो यहाँ बोलते भाई डिग्रेड नहीं अपग्रेड करना यार, अपग्रेड होगा या नहीं होगा। ओके हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मुझे 600 डायमंड में एक लेवल मेरा अपग्रेड हुआ, जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ है भाई, 600 डायमंड में मैंने एक हमारा सीधा बढ़ गया, लेवल 5 से लेवल 6 का हो गया, सॉरी लेवल 4 से लेवल 5 का हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ इवो गन के अंदर जाके 600 डायमंड में हो गया। अभी तो गरीना को मैं गालियाँ दे रहा था और अचानक से देखो भाई खुशी का माहौल है, भाई खुशी का माहौल है। ये देखो मेरा लेवल 5 का था ना, अच्छा तो लेवल 6 का कहाँ हुआ, मेरा लेवल 4 का था यार, ये क्या है भाई, अरे क्या हुआ भाई, मुझे वापस जाके देखना पड़ेगा। अरे क्या चूना लगा दिया गई ना फ्री फायर ने, लेवल 4 का ही था क्या मेरा स्कार, आई थिंक लेवल 4 का था। आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना लेवल 4 का ही था या क्या था। तो यहाँ से देख लेते, तो 300 डायमंड में मुझे ये मिला और रिटर्न लेवल 4 का, अच्छा ओके लेवल 4 का था, सॉरी माय मिस्टेक, हर बार गरीना की गलती नहीं होती, मेरी भी गलती थी। तो यहाँ से रिटर्न हुआ था लेवल 4 का और फिर वापस अपग्रेड हुआ लेवल 5 का। ओके तो लेवल 4 से लेवल 5 का हो गया मुझे 600 डायमंड में। तो आपको कैसा लगा ये इवेंट कमेंट करके जरूर बताना। मेरी बात करें तो मैं 50-50 हूँ, डिग्रेड भी हो सकता है अपग्रेड भी हो सकता है। 300 डायमंड में आपका लक रहा मेरी तरह तो लेवल 4 से लेवल 5 का भी हो सकता है, और आपका लक गंदा रहा तो लेवल 5 से लेवल 4 का भी हो सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी डाउट है तो आप लोग बिंदास कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।